नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पुणे में रात्रि कर्फ्यू का ऐलान, 28 फरवरी तक बंद रहेंगे स्कूल व कॉलेज। 100 ग्राम कोकेन के साथ कोलकाता में बीजेपी युवा मोर्चा की नेता पामेला गोस्वामी गिरफ्तार। 9 वर्षीय बच्ची की रेप और हत्या के दोषी को बिहार में सुनाई गई मौत की सजा। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार में। पुणे में रात्रि कर्फ्यू का ऐलान, 28 फरवरी तक बंद रहेंगे स्कूल व कॉलेज। पुणे के कमिश्नर सौरव राव के मुताबिक जिले में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण सोमवार से 11 बजे से सुबह 6 बजे तक जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को छोड़कर अन्य की आवाजाही पर रोक रहेगी। वहीं स्कूल व कॉलेज 28 फरवरी तक बंद रहेंगे। बतौर अधिकारी होटल, रेस्टोरेंट और बार को 11 बजे बंद करना होगा। तो वहीं दूसरी ओर 100 ग्राम कोकेन के साथ कोलकाता में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता पामेला गोस्वामी गिरफ्तार। कोलकाता पुलिस के अधिकारी ने कहा है कि शुक्रवार को न्यू अलीपुर इलाके से बीजेपी युवा मोर्चा की नेता पामेला गोस्वामी को 100 ग्राम कोकेन के साथ गिरफ्तार किया गया है। बतौर पुलिस सूचना पर उनकी कार को रोककर तलाशी ली गई थी। टीएमसी की मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि पुलिस को इस घटना की पूरी जांच करनी चाहिए। तो वहीं तीसरी ओर 9 वर्षीय बच्ची की रेप और हत्या के दोषी को बिहार में सुनाई गई मौत की सजा। बिहार के गोपालगंज जिले में शनिवार को एक अदालत ने 20 वर्षीय व्यक्ति को पड़ोस में रहने वाली 9 वर्षीय बच्ची के रेप और हत्या का दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई। घटना अगस्त 2020 में बकरोल गांव में हुई थी। दोषी ने बच्ची के शव के 5 टुकड़े करने के बाद उसे बैग में भरकर घर में छिपा दिया। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।